तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी, ये दोनों चीज है ना, आप तो 12th या 11th में पढ़े होंगे, आई थिंक 12th में पढ़े होंगे, टोटल रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ लंग वॉल्यूम, ये टोटल चीज आप पढ़े होंगे। तो अब वहां पे जो चीज पढ़ रहे हैं सेम चीज यहाँ पे भी आपको पढ़ना है। तो अब ये जो लंग वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम और कैपेसिटी, मेजरमेंट का टर्मिनोलॉजी है, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। तो वॉल्यूम क्या करता है कि सिंपली जो आपने इनहेल किया और जो एक्सहेल किया, जो सांस लिया और जो सांस छोड़े, वो वॉल्यूम है। कैपेसिटी क्या है कि उसको मेजर करने के लिए कितना मैक्सिमल चीज चाहिए, कितना अट सकता है, ऐसा नहीं कि नॉर्मली हाँ सीधा, वो हमारा लंग्स कितना कैपेसिटी के साथ फैल सकता है, कितना जगह हो सकता है, उसको हम लोग कैपेसिटी बोलते हैं। तो लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी में यही डिफरेंस है। कैपेसिटी क्या है, थोड़ा वास्ट है, बड़ा है, और लंग वॉल्यूम कैपेसिटी के अंतर्गत ही आता है। अभी कैसे आएगा वो हम एक देखेंगे। तो लंग वॉल्यूम में आपको चार चीज पढ़ना है, टाइडल वॉल्यूम, IRV, XRV और रेसिडुअल वॉल्यूम या रिजल्ट वॉल्यूम, ये चार वॉल्यूम पढ़ना है, कैपेसिटीज भी पढ़ना है। तो अब यहाँ पे जो हम स्टार्ट करते हैं, चलिए एक बार हम बता देते हैं क्या क्या है। तो फर्स्टली टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, सिंपली जो आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, नॉर्मली जो चीज कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग, सिंपली नॉर्मल ब्रीथिंग को हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। अब वॉल्यूम कहाँ मेजर होगा, तो कहाँ पे हो रहा है, लंग्स के अंदर, एल्वियोली में। तो नॉर्मली जो चीज हो रहा है, जितना अमाउंट आप इनहेल कर रहे हैं, जितना एक्सहेल कर रहे हैं, उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। दूसरा एक और चीज है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, जोर का सांस लेते हैं, तो जोर का जो सांस लिए, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब वो नॉर्मल ब्रीथिंग जो हम नॉर्मल बोलते हुए कर रहे हैं वो ठीक है, और कभी कभी हम थोड़ा और किए, तो उसमें क्या हुआ कि हमारा एल्वियोलाई और ज्यादा फैला, तो वो सप्लीमेंट्री वॉल्यूम है, वो एडिशनल वॉल्यूम हम ले रहे हैं, स्टैंडर्ड वॉल्यूम के अलावा, टाइडल वॉल्यूम के अलावा, ये अलग से वॉल्यूम है जो हम एक्स्ट्रा फोर्स के साथ ले रहे हैं, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब जब हम सांस जोर से लिए, तो ऑब्वियस है कि सांस आप जोर से बाहर करेंगे भी, तो वो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वो जो एडिशनल कैपेसिटी आपने लिया, और जो एडिशनल कैपेसिटी अब आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपने एडिशनल लिया है, तो एडिशनल आपको वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आपको जनरेट करना पड़ेगा, बाहर फोर्सफुली एक्सहेल आउट करना पड़ेगा, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट करते हैं, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ऐसा भी नहीं है कि जितना सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो टोटल एमएल हम लिए, टोटल एमएल बाहर की, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 2500 से 3100 लगभग हम लोग लिए, लेकिन बाहर 1200 अमाउंट ही निकल रहा है, बाकी कहाँ गया, तो बाकी बच जाता है हमारे अंदर, जो बच जाता है तो क्या है, सप्लीमेंट्री है, वो हमारे लिए थोड़ा बचा हुआ है, रेसिडुअल वॉल्यूम है, तो उसको हम लोग रिजर्व बोल सकते हैं या रेसिडुअल बोल सकते हैं, उतना हमारे अंदर बच गया। तो अब जिनको ये नहीं समझ में आया होगा, एक हम वीडियो दिखाते हैं आपको। कुछ शेयर हो रहा है कुछ? Yes, ma'am. स्क्रीन पिक्चर वाला, तो ये सिस्टम कर रहा है, तो अब देखिए क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मेनली एक पार्ट्स को आपको दिखाया, क्योंकि ये ट्रेकिया हुआ, ब्रोंकाई हुआ, ब्रोंकाई से लास्टली एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होगा, लंग्स के अंदर, एल्वियोलाई में। तो ये हमारा एल्वियोलस है, उसी को बड़ा रूप में दिखाया। तो ऑक्सीजन आया, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मली एक्स्ट्रा कुछ नहीं, जितना नॉर्मली फुल पचक रहा है, दैट इज नॉर्मल वॉल्यूम। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये क्या हो गया, आगे नहीं पढ़ रहा है? ओके, तो जो आप एक बार थोड़ा आगे बढ़िए, फिर हम समझाते हैं। तो नॉर्मली जो फूला पचका, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग में, जो हम नॉर्मल ब्रीथिंग ले रहे हैं,
तो बहुत तेजी के साथ नॉर्मली ब्रीथिंग नहीं कर रहे, ज्यादा तेजी के साथ ब्रीथिंग कब करें, जब हम हेवी एक्सरसाइज करें, कहीं तेजी के साथ जा रहे हैं, जब हमको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। तो नॉर्मल ब्रीथिंग जो होता है तो कम पचका कम फूला, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। लेकिन जब हम फोर्सफुली और ज्यादा ऑक्सीजन लिए तो ये वॉल्यूम और बढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंस्पिरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम। और ज्यादा जो भरा उसको हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या हुआ, जितना वॉल्यूम आपने इंटेक किया उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा ऑब्वियस, तो उतना आपको और ज्यादा सांसें छोड़ना पड़ेगा नॉर्मल से। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, तो ये और ज्यादा सिकुड़ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन टोटल नहीं बाहर निकला, जितना रहा उतना, मान लीजिए यहाँ है इतना आपने फैलाया और इतना ही निकला, इतना जो आपका बच गया इसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल, उतना आपके अंदर बच गया वो जो भी फंक्शंस करे। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत है? आवाज आ रही नो है? मैम, अभी आपको फिगर से ज्यादा क्लियर हो गया होगा, है ना? तो टाइडल वॉल्यूम क्या था, थोड़ा जो नॉर्मल कर रहा है, नॉर्मल ब्रीथिंग इतना है हमारा, मान लीजिए एल्वियोलस जितना भी साइज होगा वो नॉर्मली, जितना उसको सिकुड़ना बजकना उतना कर रहा है। लेकिन मान लीजिए हम भाग रहे हैं, हमको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, तो हम और तेजी के साथ करेंगे, तो जो यहाँ तक सिकुड़ रहा था वो थोड़ा और अमाउंट में सिकुड़ेगा, वो और ज्यादा कर रहा है इतना। तो जितना फैलेगा ऑब्वियसली कि उतना सिकुड़ेगा, उतना उसको एक्सपेल आउट भी करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ एयर गया है तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्शन में हुआ उसको उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो जितना इंस्पिरेटरी करेगा उतना ज्यादा वो और ज्यादा पचकेगा, कंपेरिजन टू टाइडल वॉल्यूम। तो जो ज्यादा पचका उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इन दोनों के बीच में जो एक्स्ट्रा अमाउंट बच गया, जो बाहर नहीं निकला, इसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व वॉल्यूम। कंप्लीट है? अब चलिए ठीक है, ये तो वॉल्यूम की बात हम कर दिए। अब यहाँ पे क्या है, लंग कैपेसिटीज। अभी जो आपने वो एक फिगर देखा, एक मिनट को शेयर करते हैं स्क्रीन। ओके, तो अभी आपने एक एल्वुलस देखा, एल्वुलाई देखा, ठीक है, ये देखा, शेयर हो रहा है ना कुछ फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं। यस मैम। तो इसमें आपने क्या देखा, जो नॉर्मली आपने किया वो टाइडल वॉल्यूम्स था, फिर एक्स्ट्रा अमाउंट में इसको अगर आप फैला रहे हैं तो ये हमारा आईआरवी था। तो जितना एक्स्ट्रा आपने लिया उतना एक्स्ट्रा आपको छोड़ना पड़ेगा ऑब्वियस, तो वो हमारा ईआरएक्स था, क्या ईआरवी था। और उसके अलावा जो अमाउंट बच गया वो हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम था, ठीक है, ये हमारा आरवी था। अब कैपेसिटी की बात करेंगे तो ये टोटल मिल जाएगा, ये जितना चीज हर्ट पे प्रेशर जाएगा, जितना चीज को लोड कर सकेगा वो उसका कैपेसिटी है। जैसे बोलते हैं ना कि आप खाते दो रोटी, लेकिन कैपेसिटी, कभी अगर कैपेसिटी की चेक करने की बात हो तो आप 10 भी खा लेंगे, खा सकते हैं क्या? तो वो आपकी कैपेसिटी है कि हाँ चलो खाते हम दो हैं, बट कैपेसिटी है कि 10-12 हम खा सकते हैं। तो ये जो टोटल चीज हो रहा है ये इसका एल्वुलाई का कैपेसिटी है, ये पूरा कैपेसिटी है, रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी, ये सभी को मिला के इसका कैपेसिटी है, ये इतना टेंडेंसी है इसके अंदर, तो उसको हम लोग कैपेसिटी में तुलना करते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, लंग का कितना कैपेसिटी है। तो ये जो चारों वॉल्यूम्स हुआ है उसको मिला के हम लोग बोलते हैं ये लंग्स का टोटल कैपेसिटी है, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी प्लस तो अब ये हमारा नॉर्मल है, एल्वुलाई है, तो ये नॉर्मली सांस ले रहे हैं, जो आपका नॉर्मल कंडीशंस है, ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट, ये आउट हो रहा है एयर, तो ये हमारा नॉर्मल कंडीशंस है। उसके बाद आपने फोर्सफुली जो लिया तो ये और ज्यादा बढ़ गया, ये एक्सपेंड किया और ज्यादा, तो इसको बोल दिए हम लोग आईआरवी। और जितना एक्सपेंड किया और उतना आपको सांस बाहर करना पड़ेगा ऑब्वियस बात है, तो उतना फोर्सफुली आपको करना पड़ेगा, तो वो हमको बोल दिए हम उसको ईआरवी। तो मान लीजिए ईआरवी तक ये इतना सिकुड़ा,
ये फिगर थोड़ा अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा है, माउस से करना पड़ रहा है तो। और ये हमारा जो बच गया वॉल्यूम्स उसको हम लोग बोले रिजर्व आरवी। तो अब ये जो लंग्स, ये सॉरी एल्वुलाई है लंग्स के अंतर्गत, ये अपना टोटल कैपेसिटी दिखाया, सारा काम कर लिया, टाइडल वॉल्यूम्स, आईआरवी, ईआरवी, आरवी। तो ये जो टोटल चीज लंग्स कर सकता है तो ये इसका कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये टोटल एवरेज मिला के लंग्स कैपेसिटी होता है। तो अब यहाँ पे स्क्रीन कहाँ गया, ओके। तो ये हमारा लंग कैपेसिटी कुछ भी नहीं है, जितना आपने रिजर्व वॉल्यूम पढ़ा, जितने भी वॉल्यूम्स पढ़ाए आपने, जितने भी टाइप के वॉल्यूम्स है उनको जोड़ दीजिए, वो हमारा टोटल लंग्स का कैपेसिटी बन जाएगा। टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी, ईआरवी और आरवी, तीन चारों को जोड़े ये हमारा टीएलसी बन जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। और ये जो वॉल्यूम्स है ये आपको कैसे लिखने आएगा, तो आपको दो दो मार्क्स में लिखने आएगा व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, व्हाट इज आईआरवी, व्हाट इज ईआरवी, व्हाट इज टीएलसी, ये लिटरली लिखने आएगा आपको। तो आप समझे रहेंगे तो अपने भाषा में लिख सकते हैं, तो ये आपको लिखने आएगा। अब इसका कुछ मेजरमेंट दिया है, मान लीजिए 6000 ml कैसे होगा, तो आप सभी को जोड़ के देख लीजिए, 6000 आता है कि नहीं, 500 प्लस 2500, 1200 और 1100 या 2 है डिफरेंस रहता है। ऐसा नहीं कि एक आदमी है तो एक ही जैसे सभी में होगा, ऐसा नहीं होता है, सभी में कुछ ना कुछ माइन्यूट डिफरेंस, कुछ एवरेज हम निकालते हैं। तो आप दोनों वैल्यूज को जोड़ लीजिए तो अप्रोक्स वो एस्टिमेटेड 6000 ml के लगभग में आएगा। उसके बाद दूसरा क्या है, वाइटल कैपेसिटी। तो अब वाइटल कैपेसिटी में क्या है कि वाइटल कैपेसिटी में क्या है कि नॉर्मली दो टाइप से इसको काउंट करते हैं। तो ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी, हम यहाँ पे स्पायरोमीटर है हमारे पास, उसमें हम आपका देखेंगे कि कितना वाइटल कैपेसिटी है आपका, कितना टोटल लंग कैपेसिटी है मेजर करके, या रेस्पिरेटोमीटर भी है हमारे पास। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि तो वाइटल कैपेसिटी क्या है कि कितना, एक मान लीजिए एक आपने जो क्या बोलते हैं आईआरवी लिया, बैंकट वाला जो लिया, सांस तेजी के साथ सांस लिया, उसके बाद कितना आपने फोर्सफुली एक्सपायर आउट किया है, तो वो टोटल वॉल्यूम्स, वो टोटल दोनों को जोड़ के जो वॉल्यूम्स है वो हमारा वाइटल कैपेसिटी है। तो अब यहाँ पे क्या है कि रेसिडुअल वाला पार्ट खत्म हो गया, हमको सिर्फ वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी नहीं है, वाइटल कैपेसिटी कितना होना चाहिए रेसिडुअल पार्ट्स को खत्म करके। वो क्या है कि टाइडल वॉल्यूम एक तो नॉर्मली जितना 75 पिसता है जो भी है, उसके अलावा जो हमने टोटल अगर इंस्पायर किया है फोर्सफुली, तो जो एक्सपायर किए वो, या वाइस वर्सा दोनों, या एक्सपायर किए तो फिर कितना आप इनहेल कर रहे हैं, तो वो। तो इसमें वाइटल कैपेसिटी में मेनली क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम्स को अलग कर दीजिए, बाकी जो तीनों जोड़ है वो हमारा क्या है वाइटल कैपेसिटी या टोटल लंग्स कैपेसिटी आपको पता है, और रिजर्व वॉल्यूम पता है, तो आप उसको माइनस कर दीजिए टीएलसी में माइनस आरवी, तो आपका वाइटल कैपेसिटी निकल सकता है। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml था हमारा अप्रोक्सीमेट, ई आरवी कितना आपने फोर्सफुली एक्सहेल आउट किया, और जितना फोर्सफुली आपने इनहेल किया, इन तीनों के जोड़ को हम लोग वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जो आपने सांस लिया उसका क्या कैपेसिटी होगा एल्वियोलस का या लंग्स का। तो ये क्या है, पहला तो टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मली क्या हो गया राजा राय, क्या ये सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, इसको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता, कभी हाथ रेज करेगा, कभी कुछ करेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो अब ये क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब समथिंग रिलेटेड टू इंस्पिरेशंस, जो भी हम इंस्पायर कर रहे हैं उससे। तो अब इसका कैपेसिटी क्या होगा, तो कैपेसिटी क्या होगा, कितना वो होल्ड कर सकता है, दैट इज कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मली ब्रीथिंग ब्रीथ आउट कर रहा है, तो टाइडल वॉल्यूम लगभग सभी में होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, जितना एक्स्ट्रा एक्सपेंड किया है वही हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगा। तो एक्स्ट्रा जो भी हमने इनहेल किया है प्लस टीवी, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा। वैसे ही अगर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी निकाला जाए तो टीवी प्लस ईआरवी, रेसिडुअल कैपेसिटी निकाला जाए तो कितना बच गया, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितना बच गया, तो जितना हमने एक्सेल आउट किया और जो हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम बचा हुआ है, तो वो हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी
कैपेसिटी है, ये टोटल कैलकुलेशंस है। मान लीजिए आपको कैलकुलेशंस में भी आ सकता है कि मान लीजिए आपको ईआरवी दिया गया या फिर आपको टोटल टी ये टोटल लंग कैपेसिटी दिया गया, इनमें से कुछ एक दो तीन टर्म दे दिया गया, ईआरवी दिया गया, आईआरवी दिया गया, तो आपसे हो सकता है टीवी पूछ दे टोटल वॉल्यूम कितना है, आरवी पूछ दे। तो ये कैलकुलेशंस टाइप के भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, या फिर आपको दूसरा क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं डेफिनेशंस टाइप के, कि व्हाट इज टोटल लंग कैपेसिटी, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी, या फिर इसका मेजरमेंट पूछ सकता है। अगर एमसीक्यू आता है तो आपको पूछ देगा कि वाइटल कैपेसिटी का मेजरमेंट कितना है, कितना आता है अप्रोक्सीमेट। आईसी है तो आईसी कितना रहता है आपके बॉडी में अप्रोक्सीमेट, तो 3600 ml है कि कितना है वो आपको याद करना पड़ेगा विथ डेफिनेशंस, ठीक है। उसके बाद अब ये लंग लंग वॉल्यूम्स और लंग कैपेसिटीज, तो पहले हम पढ़ चुके थे लंग वॉल्यूम्स, लंग कैपेसिटीज का एक हिस्सा है। लंग कैपेसिटीज में टोटल चीज आ जाता है, लंग वॉल्यूम में सीधा सिर्फ ब्रीथिंग, उसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन लंग कैपेसिटी के अंतर्गत क्या आ जाता है कि कितना एक्सटेन हो कर सकता है लंग्स, कितना काम कर सकता है, कितना को कैपेबल है, दैट इज लंग्स कैपेसिटी। तो ये था हमारा लंग्स वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, आपको एग्जांपल्स पूछा जाएगा कि क्या है इसका डेफिनेशंस, क्या है इसका, कितना कितना अमाउंट्स में है, 3600 ml है, 2400 ml है, कितना कितना ml प्रेजेंट है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। जिसका मान लीजिए नहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए इसका 600 लिखा हुआ, वाइटल कैपेसिटी मान लीजिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है VC इक्वल टू TB प्लस ERB प्लस IRV। तो TB कितना है हमारा 500 ml, ERV कितना है जनरली 1100-1200 है, नहीं अगर याद है तो यहाँ से भी देख लीजिए 1200 है, और इंस्पिरेटरी IRV हमारा 2500 से 3100 तक का है, तो आप ऐड कर दीजिए, ऐड करके आपका अप्रोक्सीमेट निकल जाएगा कि हाँ इतना होना चाहिए हमारा, तो अप्रोक्सीमेट में आपको पूछा जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में? नो मैम। उसके बाद एक और चीज पढ़ना है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशंस या CPR। CPR क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिटेशंस। ये क्या है? एक तरह का लाइफ सेविंग टेक्निक्स है। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग जिनको हार्ट अटैक आ जाता है, सांस चलना बंद हो जाता है, तो CPR के अभाव में क्या होता है कि हार्ट बीट काम करना बंद कर दिया, ब्रीथिंग्स काम करना बंद कर दिया, तो वो CPR के अभाव में बहुत लोग मर जाते हैं। तो ये जो CPR है, इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, किसी को जिंदगी बचा सकते हैं। तो CPR कैसे करना है, तो हालांकि हम लोग को मेनक्विंस आने वाला है, तो उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे आने वाला है डिप्लोमा में, अभी नया चीज किया हुआ है कि CPR का मेनक्विंस आपके पास होना चाहिए, तो मेनक्विंस पे आप देखेंगे कैसे किया जाता है। हालांकि ये चीज आपने बहुत बार टीवीज में देखा होगा, या फिर देखे होंगे कि कभी कोई डूब जाता है तो फिर उसको इस टाइप के पोजीशंस करके, हाँ, चेस्ट पे कंप्रेशन किया जाता है। तो अब ये कंप्रेशन कितना करना चाहिए आपको पता होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट, कितना बार करना चाहिए, कितना इंचेस तक करना चाहिए। बच्चों में पूरा पाम नहीं करते हैं, उसमें सिर्फ उंगली उंगलियों से करते हैं बच्चा है, तो उसमें कम कंप्रेशन चाहिए, कितना कंप्रेशन चाहिए, कितना उसको ब्रीथिंग देना है, किस मोड में ब्रीथिंग देना है, तो ये हमारा CPR है। यही टोटल जो टेक्निक्स जानना है, ये CPR है। तो सबसे पहले ब्लड को रिस्टोर करने के लिए क्या करते हैं, कंप्रेशन देते हैं, उस पर दबाव देते हैं हम लोग। तो अब ये कैसे करेंगे, तो फर्स्टली कोई भी आदमी है जिनको सांस नहीं आ रही है, जिनका हार्ट बीट नहीं है, ऑब्वियस है कि बेहोश पड़ा होगा आपके सामने, तो आपको क्या बोलते हैं, नील डाउन होके बैठना है, अपने घुटनों पे बैठ जाना है, नील्स पे बैठ जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब एक आपका जो ये है हथेली है, आपको उस आदमी के चेस्ट पे रखना है, अपना ये पूरा पोर्शन स्ट्रेट होना चाहिए आपका, ठीक है। नील डाउन करके आप बैठ गए, और एक मिनट हम कोई वीडियो दिखा देते हैं हमको, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा।
ओके वीडियोस भी देखते हैं। अभी क्या शेयर हो रहा है आप लोग को? मैम बस स्क्रीन है पहले। शेयर नहीं हो रहा है? ओके नो नो मैम, मैम। पीडीएफ शेयर हो रहा है। चेक द सीन फॉर सेफ्टी, चेक द विक्टिम अभी कॉन्शियसनेस जेनरेट। यस मैम अभी हो रहा है। ये मैनक्विंस पे कर रहा है, तो देखिए नील डाउन होके बैठी हुई है। क्या हो गया? ओके okay. देखिए हैंड पोजीशंस आप देखेंगे, ठीक है? एक पाम के ऊपर दूसरा पाम रखा गया। ऐसा नहीं है कि बहुत धीरे धीरे करना है, थोड़ा कंप्रेशन होना चाहिए। आप देखिए वो बॉडी इंचेस में नीचे धस रहा है, उसके बाद ये चिन उठा के सांस देना है नाक बंद करके। ओके अगर जो सीपीआर में ट्रेंड नहीं है वो दो लोग भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि एक आदमी ही चेस्ट कंप्रेशन करे दूसरा आदमी ब्रीथिंग दे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है सेम, अगर जरूरी नहीं है कि अगर आप फुली ट्रेन नहीं है तो दोनों वर्क के लिए दो आदमी हो सकता है। देख लिए कैसे करना है? पहले घुटनों पे बैठना है, दूसरा एक हाथ रखना है उसके ऊपर दूसरा हाथ पे रखना है, फिर ये वीडियो कंप्रेशंस ज्यादा करना है। फास्ट नहीं लगता? क्या वीडियो फास्ट है? तो 2 घंटे का हाँ वीडियो लगता है। मैम मूवी थोड़ी है जो 2 घंटे एक का था। क्वेश्चन है मैम, हाँ बोलिए। घुटनों तेज हो रहा पे था बैठ वैसे के तो। करना है? हाँ घुटना पे बैठ के करना है हाँ घुटनों पे प्रेस बैठ के करना है। हाँ मैम, अभी क्यों? घुटनों पे बैठ के ही किया जाता है। अगर आप पालथी मोड़ के बैठेंगे तो उतना कंप्रेशन जिस हिसाब से देना है उतना नहीं पड़ पाएगा। क्या बोल रहे हो राजा? बोलूं? पावर नहीं दे पाएंगे ना मैम फिर। हाँ उतना कंप्रेशंस आप नहीं दे पाएंगे और आपका जो क्या बोलते हैं पोजीशंस है, एल्बो स्ट्रेट नहीं रह पाएगा, आपका जो पोजीशंस है जिस हिसाब से आपको रखना है वो नहीं रख पाएंगे आप। तो इसीलिए हमेशा नीज पे बैठना है, ठीक है? नीज पे बैठ के अपना ये सब खुद स्ट्रेट रखना है, खुद को भी स्ट्रेट करना है, खुद को भी कंसोल करना है। उसके बाद आपने देखा कि किस हिसाब से हाथ रखना है, उसके बाद जो कंप्रेशन देना है तो अप टू चेस्ट। ये एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। बच्चों के लिए सिर्फ हम फिंगर्स का यूज करते हैं, टू फिंगर्स का यूज करते हैं, ये एडल्ट के लिए, आपके सिलेबस में एडल्ट के लिए है तो एडल्ट के लिए मतलब है। इसमें मैम इसमें तो लिखा हुआ था 12 साल या उससे ऊपर को मतलब ऐसे दे सकते हैं ना? हाँ तो बच्चों के लिए नहीं, बच्चा 12 साल से बड़ा हो गया तो बच्चा कहाँ है, वो तो एडोलसेंस में आ गया ना, क्या बोलते हैं उसको, मैम कितने सेट? युवा अवस्था में आ गया। अगर जो चाइल्ड है एकदम बच्चा, कभी कभी बच्चा लोग कुछ कुछ निकल जाता है, बेहोश हो जाता है कुछ भी, या ड्रोन हो गया स्विमिंग सीखते सीखते, तो उस कंडीशंस में बच्चों को उंगली से देते हैं। बच्चे वाला भी वीडियोज होगा वो आप देखेंगे यूट्यूब्स पे। मैम कितने सेट का होता है ये? क्या कितने? कितने सेट का मतलब कितने बार करना पड़ेगा मतलब? हाँ वो अभी हम पढ़ा रहे हैं कितने बार करना है फॉर एडल्ट्स, अभी हम पढ़ा रहे हैं। तो जनरली बच्चों में 30 कंप्रेशंस देते हैं विथ फिंगर्स, बट अगर आप बड़े हैं मतलब एडल्ट्स हैं आफ्टर 12th सॉरी 12 साल से ज्यादा के, तो उसको हम लोग एट अ टाइम 60 to 120 कंप्रेशंस दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पे 100 to 120 लिखा है, 60 के बाद दे सकते हैं आप। और बीच बीच में ऐसा नहीं है कि सीधा कंप्रेशन ही करते जाना है। तो फर्स्टली कंप्रेशन वाला चीजें आप जान लीजिए कैसे करना है। तो फर्स्टली वहां पे देखा आपने नीज में बैठना है, खुद को स्ट्रेट रखना है, दूसरा हैंड्स पे हैंड डाल के कंप्रेस करना है। और क्या करना है कि कंप्रेशन सीधा ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं सीधा, ऐसा नहीं, कंप्रेशन मतलब कंप्रेशन, और कंप्रेशन इतना होना चाहिए कि उनका जो चेस्ट है वो नीचे धंसे अप टू
5 सेंटीमीटर तक नीचे धसे, और बहुत ज्यादा भी कंप्रेशन नहीं करना है कि आपने उनका डेलिकेट ऑर्गेन है हार्ट वर्ट सबको खत्म ही कर दिया, ऐसा नहीं है। जब मूवी सब में देखते हो ना, कुछ नहीं करता है तो मुक्का मार देता है, कहाँ से थ्योरी लाते हो भाई, तो वैसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सीपीआर में जाना है, आप फार्मासिस्ट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या करना है कि सीपीआर आपने ट्रेनिंग लिया है तो ठीक है, दोनों काम एक साथ ही कर सकते हैं, ब्रीथिंग आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं दोनों में है तो आप दो आदमी भी रख सकते हैं, इमरजेंसी केसेस के लिए दो आदमी भी रख सकते हैं, अगर ट्रेन सीपीआर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आफ्टर जो आपने कर रहे हैं उसको बीच बीच में क्या है कि आपको ब्रीथिंग भी देना है। तो ब्रीथिंग देने के लिए क्या करना है कि जो आपका चिन्ह है तो चिन्ह को ऊपर उठाना है। नॉर्मली आदमी लेटा हुआ है तो नॉर्मली उसका गर्दन ऐसे ही होगा, सोया हुआ है तो किस पोजिशन में होगा, गर्दन लेटा हुआ इस टाइप से होगा। तो अभी आपने भी देखा कि वहां पे क्या हुआ कि ये जो चिन्ह है उसको अपर करना है, अपवर्ड करना है, और उसके बाद क्या करना है कि नोज स्ट्रिल्स को बंद करना है। आप उसको माउथ टू माउथ एयर दे रहे हैं, तो अब उसको क्या करना है कि दो रेस्क्यू ब्रेथ दीजिए डीप, और उसको रेस्क्यू देने से पहले आप को खुद तेजी के साथ सांस लेना है, देन आफ्टर उसमें उसको सांस देना है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एटलीस्ट टू रेस्क्यू ब्रेथ देना है, ऐसा नहीं कि एक बार दिए, दो बार उसको सांस दीजिए, फिर से इंस्टेंट में कंप्रेशन स्टार्ट कीजिए, नाक फिर छोड़िए, फिर उसको अपने पोजिशन पे लाइए, इंस्टेंट में फिर से कंप्रेशन कीजिए। उसके बाद जब तक उसका क्या बोलते हैं सर्कुलेशन उसका कंप्लीट नहीं हो जाता, रिस्टोर नहीं हो जाता उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, तब तक आपको ये प्रक्रिया दोहराना है। उसके बाद अभी अभी तो खैर सीपीआर करते हैं इमरजेंसी केसेस में, क्योंकि सभी के यहाँ डिफाइब्रिलेटर नहीं रहते हैं। तो आपने वहां पे देखे होंगे क्या मूवी सब में, वो कुछ लगाता है ना, फिर वो हर्ट्स निकलते हैं, उछल के आदमी आता है, तो डेट इज डिफाइब्रिलेटर। यस मैम। तो वहां पे भी वही सीपीआर कर रहा है, बट वो मशीन्स के साथ, ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ, वहां पता है कितना शॉक देना है, क्या देना है। तो हालांकि सभी के घर में डिफिब्रिलेटर्स तो अवेलेबल नहीं है, तो सभी को सीपीआर सीख के रखना चाहिए, क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते हैं, लोग फेंट होके गिरते हैं, और सीपीआर की थोड़ा देर के लिए उसका सर्कुलेटरी सिस्टम बंद हुआ, लेकिन सीपीआर से आप उसके सर्कुलेटरी सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं। और इस केस के लिए कितना ज्यादा लोग मर रहे हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि सीपीआर किसी को आ नहीं रहा है, जब तक हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं तब तक उसका सर्कुलेटरी सिस्टम बंद है, ऑक्सीजन बंद है, ब्लड सर्कुलेशन बंद है, लोग मर रहे हैं। तो अगर सीपीआर हो रहा है, कोई भी इस टाइप से देखे कि उनका फेंट होके गिर रहे हैं, उनका ब्रीथिंग्स नहीं चल रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सीपीआर उसके लिए अरेंज करें, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको इतना ही पढ़ना था, लंग कैपेसिटी और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, इसमें कोई डिजीज नहीं पढ़ना है, और एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब नेक्स्ट क्लासेस में हम यूरिनरी चैप्टर पढ़ेंगे, बट उससे पहले आपका दोनों का टेस्ट होगा, ठीक है, और टेस्ट एमसीक्यू नहीं होगा, रिटन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा मैम। नहीं, आपका कॉलेज खुल रहा है, कल से आपको ऑफलाइन क्लासेस हैं। एक मिनट पहले